हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल प्योरा गेमर्स में। सो आज हम खेलने जा रहे हैं ब्रॉवल स्टार। तो आज हम जाएंगे पोको के साथ, जो कि म्यूजिक से किल करता है। सो देखेंगे क्या होता है। और आज हम जाने वाले हैं हॉट जोन में, जिसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, पर आज थोड़ा इन्जॉय करेंगे उसमें जाके, और आपको भी मज़ा आएगा। देखते रहिए। और मैंने प्लेयर फिंड में डाल दिए हैं, सो 6 प्लेयर फिंड हो भी चुके हैं और गेम हमारा आ चुका है। सो आज हमें करना कुछ नहीं है, इसके अंदर बस खड़े रहना है और विन करना है मैच को। अगर वो ज़्यादा परसेंटेज निकालते हैं तो वो विन करेंगे, अगर हम ज़्यादा परसेंटेज निकालते तो हम विन करेंगे। सो मेरे सामने दो लोग हैं और हम भी दो हैं, क्या होता है देखते हैं। सो मैंने उनके एक प्लेयर को डाउन कर दिया है, दूसरे को उसने कर दिया है। सो दोनों प्लेयर डाउन हो गए फर्स्ट टाइम में, तो अब क्या होता है देखते हैं। और मुझे लगता है कि हम आराम से विन कर जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम डाउन नहीं हुए हैं, लेकिन शायद अब हो गए। तो हम फर्स्ट टाइम डाउन हो गए और हमारा 60% हो गया है, जो कि बहुत अच्छा बात है, क्योंकि अभी तक उनके 30% नहीं हुए लेकिन अब हो गए। अभी तक उनका हमारे डबल था, लेकिन अभी भी हम ज़्यादा ही आगे। सो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हम ऐसे भी विन कर जाएंगे ये गेम। सो देखते रहिए आप क्या होता है आगे। ओ ओ ओ ओ ओ हो हो हो, बच गए यार, डाउन कर दिया, पर हम 100% निकाल दिया, इसीलिए हम विन भी कर गए हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट गेम। ओ भाई, आते ही एकदम से शुरू हो जाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बच के अब मारो 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 मारो, जल्दी 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 जल्दी। सो दोनों को डाउन कर दिया है हमने, अभी और वापस आते रहेंगे तो हमें डाउन करते रहना है, लेकिन अब की बार तीन तीन जन आएंगे, सो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। जैसा कि मैंने बोला था, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था दो को संभालना भी, तो तीसरा तो दूसरे आया भी नहीं बीच में। सो वैसे भी हम कोई प्रॉब्लम तो है नहीं हमें, लेकिन इन्हें दोनों को डाउन करना पड़ेगा। इनके पास भी वो म्यूज़िक वाला है, सो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दो सामने से आ रहा है, उसकी हेल्थ ज़्यादा है, तो उसे मैं आराम से नहीं मार सकता, थोड़ा डिफ़िकल्ट रह रहा है, पर हो जाएगा, कोशिश करते रहना चाहिए। सो ट्राई करेंगे, अब की बार हम दो जन थे इसीलिए उसे डाउन कर दिया आराम से, लेकिन इसने मुझे डाउन कर दिया फिर से, क्योंकि ये दूर से मार रहा था। अगर मेरे पास आता तो मैं शायद इसे आराम से मार देता, लेकिन कभी कभी हो जाता है, ब्रॉल स्टार एक ऐसा ही गेम है, क्योंकि हर बार तो हम विन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन अब की बार भी हम विन कर गए, क्योंकि हमारा 100% हो गया, उनका 71% है अभी तक। सो चलते हैं अगले गेम की तरफ बिना वक्त गवाए। सो मैंने फिंड में डाल दिया है, देखते हैं कौन कौन हमारे सामने आते हैं और कैसे हमें खेलना है। तो सिंपल इस हॉट जोन में करना कुछ नहीं होता, बस आपको बीच में जाके खड़े रहना है और आप विन कर जाएंगे, लेकिन जब दो गोल आते हैं तो आपको दोनों को कंप्लीट करना पड़ता है। पर दोनों को कंप्लीट करने के लिए अगर आपका एक प्लेयर आपके जो पास में है उसमें रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर दो प्लेयर उनके सामने वाले में जाते हैं तो बेटर रहता है, क्योंकि वो वहाँ पे अगर एक जन है तो आप उसे आराम से मार के रह सकते हैं, लेकिन वो अगली टीम अगर आपके तीनों के तीनों उधर जाते हैं सामने आपके पास, तो भी आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप उसे कंप्लीट आराम से कर देते हो और आपका एक प्लेयर उन्हें बीच बीच में दिक्कत देता रहता है, सो आप विन कर जाते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी ये बॉम्बर्स जैसे लोग आते हैं और सब बिगाड़ देते हैं, जैसे कि अब हमारा बिगाड़ रहा है ये बॉम्बर, क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, बस साइड में चुप चुप के वार करते रहते हैं और विन कर जाते हैं, लेकिन हर बार हम भी कभी कभी ले लेते हैं, वैसा ऐसा कुछ बात नहीं, लेकिन ये पूरा बेकार लगता है मुझे, क्योंकि सबको ऐसी पावर देनी चाहिए कि जो दीवार होती है उसके आसपास भी अटैक कर सके, लेकिन हमें ऐसी मिलती नहीं है हर किसी को। हाँ, वो ज़्यादा लेवल के जो ब्रॉवल्स होते हैं उन्हें मिल जाती है, वो बात अलग है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, क्योंकि ये भी हम विन कर गए हैं। जो तो हम कहते वो जो ज़्यादा बड़े बड़े ब्रॉवल्स होते हैं वो विन कर जाते हैं और वो जंप भी ले सकते हैं दीवारों से, तो वो छोटे ब्रॉवल्स को भी मिलना चाहिए, जैसा कि हम लोग, हम अभी छोटे ब्रॉवल्स हैं तो हमें भी वो पावर्स मिलनी चाहिए,
क्योंकि वो बड़े लेवल में मिलेगी तो हमें दिक्कत होती, क्योंकि हमारे सामने भी कभी बड़े ब्रावल्स आते हैं, वो हमें दिक्कत देते हैं, उन्हें हम मार भी देते हैं, लेकिन अगर उनकी 10 HP है तो भी वो जंप करके वॉल क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं और फुल हेल्थ लेके वापस आते हैं। तो हमें भी ऐसा मिलना चाहिए कुछ जिससे हम अच्छे तरह से इस गेम को खेल पाए। और इसमें अलग अलग टाइप के ब्रॉलर्स है जिसमें, जैसे कि बॉम्बर हो गए और भी बहुत सारे, जैसे कि ये पोको हो गया और ये पेन, दूसरे बहुत सारे हैं जिसे हम आराम से, अलग अलग सबकी पावर्स है वो अच्छा है, लेकिन हमें अगर उस पावर्स ये वॉल्स कूदने की सब में मिलती है तो हमारे लिए बेटर रहता है। अगर नहीं देनी है तो सब में मत दो, ऐसा नहीं कि एक में दो, सब में अलग अलग पावर देते हैं। जैसे कि कोई वो टिक टिक, वो जो रॉकेट भेजता है उसका क्या नाम है पता नहीं, लेकिन वो जो रॉकेट भेजता है उसके वहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाता है और विन कर जाता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसी पावर मिलनी चाहिए, मेरा यही कहना है। और दूसरा कुछ नहीं, शायद हम विन कर जाएंगे क्योंकि हमारा 90 हुआ है और इनका अभी 86% है। सो हम विन कर गए, हमारा 100% हो गया है। सो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे मुझे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। सो वो मैं बनाऊंगा अब, जो कि क्लैश ऑफ क्लैंस के हो गए, पबजी का भी सोच रहा हूँ कि पबजी की भी वीडियो बनाऊँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।